तो है व्हाट इज़ अप एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज वर्ल्ड। इस व्लॉग में खाने को कुछ नहीं होगा, ना मैं खाना दिखाऊंगा, अगर थोड़ा बहुत दिख गया तो यार देख लेना, एंड खाने का रिव्यू नहीं होगा। ये व्लॉग सर मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में हो गए हैं कॉलेज बंद एंड मेरा आ गया घर जाने का टाइम। घर वालों को तो मैंने बोला हुआ कि मैं 3-4 दिन तक आऊँगा, बट मेरे घर वाले आज जा रहे थे संगरूर एंड मैं करने वाला हूँ उनको सरप्राइज़ वहाँ पे जाके। मेरे अभी तक सिर्फ मौसी को पता है कि मैं संगरूर में आ रहा हूँ एंड मैंने उनको बोला कि मेरे मम्मा पापा को नहीं बताना कि मैं संगरूर आ रहा हूँ। सो देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी एक छोटी सी ट्रिप पे, सो लेट्स गो। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं शेफ कोट वगैरह, जीन्स एंड ऑल, किताबें वगैरह, कपड़े सारे पैक हो रहे हैं एंड प्लीज़ इग्नोर द मेस। सारा इक्विपमेंट भी मेरा मैं शायद यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। कैमरा एंड लैपटॉप तो मैं लेके जाऊँगा क्योंकि फिर थोड़ी बहुत वीडियोस जो बड़ी है मेरे पास वो एडिट करने के लिए। बट अभी पैकिंग जोरों शोरों से चालू है, मेस को प्लीज़ इग्नोर कीजिए यार, लड़कों का फ्लैट है थोड़ा बहुत तो चलता है ना। आई एम ऑल सेट टू लीव, पैकिंग पूरी हो गई थी एंड मेरे फ्रेंड्स आए थे मेरी हेल्प करने क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पे पैकिंग करनी थी। थैंक्स टू देम एंड इनकी इंस्टाग्राम आपको दिख रही होगी, प्लीज़ फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम। अभी बज रहे हैं 8:50 एंड मेरी ट्रेन है अबाउट 10:45। मैं बहुत पहले पहुंच गया हूँ क्योंकि मैं थोड़ी अर्ली चला था घर से एंड अभी मैं खाने वाला हूँ खाना एंड मैंने कढ़ी चावल ऑर्डर किए हैं। ये स्टेशन सराय रोहिल्ला स्टेशन के सामने एक छोटी सी गली है, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब रेस्टोरेंट थे तो मेरे को ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था सब में से, तो मैंने यहाँ पर खाना प्रेफर किया एंड चलो देखते हैं कि कढ़ी चावल का टेस्ट कैसा है। मैंने बोला कढ़ी चावल मैंने खा लिए हैं एंड मैं ब्लॉग करना भूल गया, मेरे को खाते खाते मतलब पता ही नहीं लगा कि मतलब याद ही नहीं आया कि मैं ब्लॉग भी कर रहा हूँ। एंड कढ़ी चावल काफ़ी अच्छे थे। ये जो रेस्टोरेंट है या ढाबा जो भी आप कह लो, ये मैं बता देता हूँ कहाँ है, कि सराय रोहिल्ला स्टेशन के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक छोटी सी गली है, वहाँ पे एंड पे जाके राइट साइड पे एक ढाबा है और सभी ने येलो कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सभी जने जो भी वेटर थे एंड जो भी कुक्स थे सभी ने येलो कलर की पहनी हुई थी ड्रेस, तो आप इससे पता लगा लीजिए। मैं नाम देखना भूल गया, शायद निर्वाणा था, पता नहीं क्या था नाम, मेरे को मतलब अच्छी तरह से याद नहीं है क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया। एंड मैं आपको बता दूं कढ़ी चावल बढ़िया थे एंड मेरे को लग रहा है कि बाकी चीज़ें भी उनकी बढ़िया होगी। कढ़ी चावल बहुत दिन बाद मुझे अच्छे वाले मिले, कढ़ी चावल तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था मैं घर वाले, पर चलो घर वाला टेस्ट तो नहीं था पर सिमिलर टू दैट था, खट्टे एकदम बढ़िया तरह के चावल एंड साथ में प्याज मज़ेदार। तो अभी हूँ मैं दिल्ली स्टेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन की। ये वाली जो है बीकानेर एक्सप्रेस स्पेशल, ये मेरी ट्रेन है जो कि 10:45 पे आनी है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है क्योंकि अभी 9:19 ही हुए हैं। ये वॉच जो मैंने पहनी हुई है ये है बोट स्टॉर्म एंड बोट स्टॉर्म पहनी हुई है मैंने वॉच। तो वेट करते हैं अभी ट्रेन का, थोड़े गाने वाने सुनेंगे या फिर कोई मूवी वगैरह लगा लेता हूँ क्योंकि अभी मैं अराउंड 10:15 के करीब यहाँ पे सीट मिल गई है मुझे, बढ़िया बैग वैग मैंने रख दिए हैं, तो बैठता हूँ थोड़ी देर फिर देखते हैं क्या करना है। टाइम मैं हूँ ट्रेन में एंड ट्रेन चल पड़ी है, अभी हो रहे हैं एग्जैक्टली 10:58 एंड मेरी ट्रेन 45 पर चल पड़ी थी एंड प्रोबेबली 2:40 पे मैं संगरूर पहुँच जाऊँगा। तो चलो देखते हैं अभी रास्ते में कैसा जाता है सफ़र, क्योंकि मैं ट्रेन में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है एंड मैंने खाने को कुछ
सामान ले लिया था, सॉल्टेड चिप्स मेरे फेवरेट नहीं है, सॉल्टेड मैं खाता नहीं, पर उस टाइम रेलवे स्टेशन पे यही अवेलेबल थे, तो आई वाज हैविंग नो अदर ऑप्शन एंड आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू ईट। ये मैं अभी नहीं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा अराउंड 1 बजे जब मुझे भूख लगेगी, अभी तो भूख नहीं लगने वाली क्योंकि कढ़ी चावल खाए हुए हैं। एंड पानी की बॉटल भी मैंने ले ली थी, पानी की बॉटल मेरी वो पड़ी बैग के पास। एंड सीट आप जैसे कि देख सकते हैं, सीट्स मेरे चारों ओर तो पूरी खाली हैं, तो देखते हैं कैसा जाता है मेरा ट्रेन का सफ़र, फर्स्ट टाइम ट्रेन में एंड घर पे बिना बताए सरप्राइज दे रहा हूँ, चलो देखते हैं कैसा होता है उनका रिएक्शन। मेरे टाइम पास करने के लिए हॉटस्टार पे घर पे की थी एक मूवी डाउनलोड, बाकी 3 ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा मतलब वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर लेंगे, इतनी ज़्यादा घटिया मूवी, इतनी ज़्यादा घटिया मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब एक बंदे ने अपने भाई को बचाने के लिए पूरी पूरा कंट्री एक दबा कर दी, हिसाब लगा लो आप, मतलब वो नहीं था बंदा, नहीं था अपने लिए, टाइगर श्रॉफ था, टाइगर श्रॉफ ने किया। पता है लोग ऐसी मूवी बनाते क्यों, तो ये नहीं समझ आई आज तक। तो फूडीज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ट्रेन से उतर गया हूँ एंड मैं पहुँच गया हूँ संगरूर रेलवे स्टेशन। तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, अभी मेरे मम्मा पापा मेरे मासी घर में कहाँ सोए हैं, मैंने कैसे सरप्राइज़ करना है उनको, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अभी बस मौसा जी मेरे लेने आ रहे हैं मुझे स्टेशन से, एंड घर जाके फिगर आउट करते हैं अभी करना क्या है, अभी सुबह सरप्राइज़ करना है या सुबह उनका एक रिएक्शन रिकॉर्ड करना है या फिर अभी जाके ही, या फिर उनसे बात कर लेंगे थोड़ी बहुत भी आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा वैसे टाइप्स। तो चलो देखते हैं अभी घर जाके क्या होता है। तो मैं पहुंच गया हूँ घर, घर को लग गया लॉक एंड अभी सरप्राइज़ करते हैं मम्मा पापा को, नानी के कमरे में सो रहे हैं। पापा मम्मा हेलो, मैं चंडीगढ़ हूँ, ओ चंडीगढ़ से दिल्ली हो, मैं मौसा मासी मौसा ही दस आज ट्रेन से आया। नानी सत श्रीकाल, नानी जैसे कि मैंने आपको बताया था, चलो सरप्राइज कर दिया है, कल सुबह मिलते हैं और करते हैं वीडियो को एंड। फिर कमरे में आया हूँ एंड मासी उठे हुए थे, मासी प्लान सक्सेसफुल, थैंक यू।